हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोग का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुडलोन एनर्जी के बारे में। मैं आप लोगों को इस कंपनी को पूरा एनालिसिस कराने वाला हूँ, टेक्निकल और फंडामेंटल। यहाँ पे मैं आप लोगों को गए दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर को पहले से बाय करके रखा हुआ है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस कंपनी के नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाले हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हैं इस कंपनी के शेयर को बाय करने की, तो मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग इस शेयर को कहाँ पर बाय कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग करते हैं अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या है, वन डे का चार्ट लगा के रखा हुआ है। वन डे में आप लोगों को इस कंपनी का 0.90% के रेट निकाल के दिए हुए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वन मंथ की, तो आप लोग सकते हैं वन मंथ में इस कंपनी के आप लोग को 6% के रेट निकाल के दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे वन ईयर की, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 200 यहाँ पे 36% आप लोगों का है सिर्फ वन ईयर में इस कंपनी आप लोगों को रिटर्न निकाल के दिए हुए हैं। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा यहाँ पे इसके टेक्निकल में, जिससे आप लोग ये समझ सके कि आप लोग इस शेयर को कहाँ पे परचेज कर सकते हैं, कहाँ पे आप लोग क्या है वाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने शेयर को पहले से ही वाई करके रखा हुआ है उन लोगों को यहाँ पे क्या नेक्स्ट टारगेट, उन लोगों को क्या मिल सकता है, ये शेयर और कहाँ तक भाग सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉपर रूप से क्या है एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। जो आप लोगों को यहाँ पे रेड कलर की लाइन दिख रही है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, उनको हम लोग क्या यहाँ पे सपोर्ट मानेंगे, ठीक है। जो आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है ड्रॉ करके रखी हुई है, ये हमारी क्या है रेजिस्टेंस का काम करेंगी, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से पूरा पैटर्न बना सकते हैं सुडलोन एनर्जी में, और आप लोग खुद से भी क्या है एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ये शेयर यहाँ पर क्या है 54 को ब्रेकआउट करता है, तो आप लोग इस शेयर को वाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा क्या है हल्की क्वांटिटी वाई करें, क्योंकि ये शेयर क्या है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। आप लोगों को मैं ये भी बता दूँगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये शेयर ओवरलोडेड है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग इस शेयर को कहाँ पर 54 में वाई कर सकते हैं। आप लोगों का पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा 55 पॉइंट, यहाँ पर 60 यहाँ पर क्या 5 का आप लोगों का पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। और दूसरा टारगेट आप लोगों का रहेगा यहाँ पर 59 पॉइंट यहाँ पर 95 का, ठीक है। तो इस शेयर को अगर आप लोग यहाँ पे 54 को जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो आप लोग वाई करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे 10 से 12 दिन में ही क्या यहाँ पे 30% का आप लोगों को रिटर्न यहाँ पे ये शेयर निकाल के दे सकता है। लेकिन जब तक ये शेयर यहाँ पे 54 को ब्रेकआउट नहीं करता है गाइस, तो आप लोग ऐसे शेयर को बिल्कुल भी परचेज ना करें, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ये शेयर क्या है डाउनसाइड के लिए कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही ये शेयर यहाँ पे क्या है 52 को ब्रेकआउट करता है गाइस, तो ये शेयर क्या है आप लोगों को डाउनसाइड के अच्छे खासे टारगेट दिखा सकता है। यानी कि ये शेयर क्या है यहाँ पे 48 पॉइंट यहाँ पे 95 तक गिर सकता है डाउनसाइड के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे वाई करके नहीं रखा हुआ गाइस, तो जब तक यहाँ पे क्या 54 को वाई यहाँ ये शेयर ब्रेकआउट नहीं करता है, तो आप लोग ऐसे शेयर को वाई ना करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, पहली बात तो क्या है ये शेयर जो है हमारा UCLC वाला है, यानी कि यहाँ पर क्या प्रोमोटर गेम चलता है। तो मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग ऐसे शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ पर आप लोगों को क्या है यहाँ पर 90% रिस्क हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या ये शेयर UCLC वाला है, ठीक है। इसमें मतलब क्या है अपर सर्किट व लोअर सर्किट लगता है, तो आप लोग ऐसे शेयर को वाई ना करें। किसी अच्छी कंपनी आप लोग क्या है अपने शेयर को पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहां से आप लोगों को अच्छा खासा यहां पर रिटर्न भी मिल सकता है, ठीक है। अब ये शेयर ओवरलोडेड क्यों है मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा क्या है फंडामेंटल में नज़र डालेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो एक क्या अच्छा खासा कंपनी का मार्केट कैप भी यहाँ पर 71,500 यहाँ पर 87 करोड़ रुपये कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैप चल रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पी रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे क्या है 108 चल रहा है गाइस, जो कि कंपनी का पी रेशियो क्या बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा हम लोग क्या है यहाँ पे जाएंगे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या है व्यू डिटेल में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या है वन ईयर का इसका यहाँ पर क्या है पूरा इसका वन ईयर का पूरा चार्ट लगा लिया हमने यहाँ पे क्या है इसका रेवेन्यू वेन्यू आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। और आप लोग आएंगे यहाँ पे वन ईयर के सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर ईयरनिंग पर शेयर आप लोग देखेंगे, तो 20 पॉइंट यहाँ पे क्या है 64 इसका क्या है ईयरनिंग पर शेयर चल रहा है, मतलब एक शेयर पर क्या है इसका अर्निंग जो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे क्या है 64 चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक शेयर का प्राइस आप लोग देख सकते हैं 53 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या वैक करेंगे पूरा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक शेयर का प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है गाइस आप लोग देख सकते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे 30 यहाँ पे क्या चल रहा है 5 चल रहा है, ठीक है। वो 30 यहाँ पे
फोर्टी क्या 43 चल रहा है, आप लोग यहाँ पे क्या गुणा कर देंगे यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे क्या 64 का, तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका क्या है यहाँ पे पी रेशियो निकल के आ रहा है 20 आ रहा है गाइस, ठीक है 20 आ रहा है, और यहाँ पे क्या 100 इसका क्या इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो ये शेयर बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड, आप लोग ऐसे शेयर में अपना पैसा एक भी इन्वेस्ट ना करें। अब इसका देखेंगे हम लोग बात करेंगे पी वी रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो को क्या 18 पॉइंट यहाँ पे 55 चल रहा है जो कि बहुत ही बुरा है, ठीक है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 90 चल रहा है, किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी यहाँ पे क्या 10 से ज़्यादा होता है तो कंपनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और डेप टू इक्विटी की बात करें 0 पॉइंट यहाँ पे क्या 0.4 लाख रुपए कंपनी को क्या कर्ज चल रहा है 4 लाख रुपए का। आप लोगों की कंपनी आरओई की बात करें तो क्या पर ईयर का आप लोगों का 16 पॉइंट यहाँ पे 84% का आप लोगों का कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, 16 पॉइंट यहाँ पे 84% का पर ईयर का रिटर्न निकाल के आप लोगों को दे रही है। ईपीएस की बात करें 0 पॉइंट यहाँ पे 49 चल रहा है, डिविडेंड आप लोगों को कंपनी देती है। बुक वैल्यू की बात करें 2 पॉइंट यहाँ पे क्या चल रहा है 89 इसकी क्या बुक वैल्यू चल रही है, यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें तो 2 चल रही है। तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो आप लोग ऐसे शेयर को कभी भी बाय ना करें, मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग देखेंगे तो रिटेलर के पास यहाँ पे क्या है 61% क्या है कंपनी की शेयर यहाँ पे क्या है रिटेलर के पास है। फॉरेन इंडस्ट्री के पास यहाँ पे देख सकते हैं 19 पॉइंट यहाँ पे क्या है 57% फॉरेन इंडस्ट्री के पास कंपनी का शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ पहले यहाँ पे क्या रिटेलर गेम चल रहा है, तो आप लोग ऐसे शेयर को बिल्कुल भी गाइस बाय ना करें। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ जब तक ये शेयर क्या है 54 को ब्रेकआउट नहीं करता आप लोग ऐसे शेयर को बिल्कुल भी बाय ना करें। और अगर आप लोगों के पास रिस्क लेने की क्षमता है तभी आप लोग क्या है ऐसे शेयर में यूसीएलसी वाले शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।